हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल द UK05 राइडर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बाइक में आई छोटी मोटी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आज मेरी बाइक में हुआ कि मेरी बाइक में चलते चलते पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम ही क्रैश हो गया, शायद कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसे देखने के लिए वीडियो पूरी देखें। तो लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, अभी मैंने अपनी पूरी बाइक खोल रखी है। इसका रीज़न है कि मेरी बाइक में कहीं पर वायर में शॉर्ट सर्किट आ गया, तो इस वजह से बार बार मेरा फ्यूज उड़ जा रहा है और मेरा सारा इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ हो जा रहा है। तो ये देखो, अभी ये यहाँ पर दो फ्यूज़ होते हैं, एक 10 एम्पेयर का और 15 एम्पियर का। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें नया फ्यूज डाला है, और अभी देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक सब वर्क कर रहा है। बट जैसे ही मैं बाइक को ऑन करूंगा, पैर से मारूंगा, ये देखिए काफी कुछ ऐसा जुगाड़ लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं ये लाइट जल रही है, थोड़ी बैटरी लो गई है, इसे इसे फुल नहीं जल पा रही है, ये देखिए। तो अभी मुझे इसका फ्यूज़ होने का, बार बार फ्यूज़ होने का रीज़न ये मिला है कि जो इसकी टेल लाइट वाली सप्लाई है उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हो। अब आप देख सकते हैं ये लाइट बंद हो चुकी है, तो इसका मतलब इसकी कहीं टेल लाइट वाली सप्लाई में कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जिस वजह से इसका सर्किट बार बार ब्रेक हो जा रहा है। और अभी मैंने फॉल्ट तो ढूंढ लिया, बट अभी मुझे मिला नहीं है कि कहाँ पे है वो शॉर्ट सर्किट। तो देखते हैं, अभी मैंने इसकी टैंकी तो लगा ली है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो आपको इसमें करना क्या होगा, जो आपके फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ टर्मिनल कहाँ गया, कुछ इस टाइप का होता है, तो इसके दो टर्मिनल होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो तब जाके क्या बोलते हैं, सर्किट बनता है पूरा एक। तो अभी इसमें क्या होता है कि अंदर देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो ये दो एक पत्ती टाइप की होती है तो जल जाती है, जिस वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है हमारा। तो अभी मैंने क्या किया है, एक यहाँ एक वायर इस वाले में डाली, एक वायर इस वाले में डाली है, तो जिसके कारण ये हमारे जल जा रहा है और हमें पता चल रहा है कि ये सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किट है। ये देख सकते हैं, अभी मैं पीछे टेल लाइट का वो खींच रहा हूँ तो लाइट ब्लिंक हो जा रही है। और अगर मैं इस कनेक्टर को निकाल दूँ, हंसी उड़ावे चाहे सारे दुनिया, ये देखिए अब ये लाइट बंद हो गई है। तो ये एक बहुत ही इजी मेथड है अपनी बाइक में कहीं पे शॉर्ट सर्किट ढूंढने का। तो दोस्तों, अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपनी बाइक की कंप्लीट सर्विस करके दिखाऊंगा, होम पे, घर पे ही। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।